सारा साल 2021 को अलविदा कहते चंडीगढ़ का है, जहां एक तरफ पूरा शहर 2021 को बाय बाय कहकर साल 2022 के स्वागत में सेलिब्रेशन के नशे में झूम रहा था, वहीं दूसरी ओर नए साल के जश्न को लेकर चंडीगढ़ पुलिस की भी विशेष ही तैयारी थी। साल 2022 का जहां एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वी केयर फॉर यू के स्लोगन के साथ चंडीगढ़ पुलिस शहर वासियों की सुरक्षा में तत्पर थी। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से शहर भर में नाके लगाकर शरारती तत्वों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जा रही थी। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नए साल का जश्न मनाने के लिए रात 12 बजे तक का समय दिया गया था और सभी को सख्त हिदायतें दी गई थी कि 12:05 तक सभी डिस्को, क्लब्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खाली करवा दिया जाएगा और अपने कहे अनुसार चंडीगढ़ पुलिस ने एक्शन भी लिया। तस्वीरें चंडीगढ़ के अलांटे मॉल की हैं, जहां पर भगदड़ सी मची हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ के अलांटे मॉल में लोगों का हुजूम था, जिसके चलते पुलिस और खुफिया एजेंसी, यहां तक कि चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और शरारती तत्वों से आसानी से निपटा जा सके। इसी दौरान अलांटे मॉल के बाहर शराब के नशे में चूर कुछ युवा उत्पात मचाते हुए नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके चलते भगदड़ सी मच गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर सेक्टर 26 मध्य मार्ग की है, जहां पर युवा वर्ग का हुजूम था और नशे में चूर युवा आपस में भिड़ गए और शांति बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने उन पर भी हल्का लाठी चार्ज किया। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कुलदीप चहल ने अपनी फोर्स को सख्त हिदायतें दी थी कि नव वर्ष चंडीगढ़ में हर्षोल्लास के साथ होना चाहिए और किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। चंडीगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और पुलिस के द्वारा नाके लगाए गए थे। नाकों पर कई वाहनों के चालान किए गए तो कई वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया। इस दौरान कुल 583 चालान काटे गए। चंडीगढ़ पुलिस की सख्ती मध्य रात्रि पर शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में आने वाले लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था, ताकि नए साल की शुरुआत में किसी भी अप्रिय घटना और अनहोनी से बचा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।